दिलीप कुमार साहब ने बरसगीर की सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। आज इस वीडियो में आपको उनकी कुछ हीरोइनों के बारे में बताएंगे जिनके साथ उन्होंने काम किया। मलका तरन्नुम नूरजहां जुगनू फिल्म में उनके साथ पर्दा स्क्रीन पर जलवागर हुई 1947 में। सुचित्रा सेन के साथ 1955 में उनकी देवदास फिल्म आई। 1957 में मुसाफिर फिल्म में सुचित्रा सेन के साथ काम किया। उनकी मशहूर रोमानवी फिल्मी जोड़ी मधुबाला के साथ थी। मधुबाला के साथ तराना फिल्म में 1951 में काम किया। संग दिल में 1952 में, अमर में 1954 में और मुग़ल आज़म में 1960। मुग़ल आज़म सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली फिल्मों में से एक है। मीनू कुमारी के साथ सबसे पहली फिल्म फुटपाथ 1953 में रिलीज़ हुई। आज़ाद 1955 में, यहूदी 1958 में और कोहेनूर फिल्म 1960 में रिलीज़ हुई। सायरा बानो के साथ 1970 में गोपी फिल्म में जलवागर हुए। सगीना 1974 में रिलीज़ हुई। बैराग 1976 में। रेखा के साथ दो फिल्मों में काम किया जिनमें पहली किला 1998 में और आग का दरिया 1990 में। नूतन के साथ खून अपना अपना 1979 में और कर्मा फिल्म उससे पहले रिलीज़ हुई 1986 में। दिलीप कुमार साहब ने नंदा के साथ एक ही फिल्म में काम किया जिसका नाम था मजदूर, ये 1983 में रिलीज़ हुई। और शर्मिला टैगोर के साथ उनकी फिल्म बहुत मशहूर हुई जिसका नाम है दास्तान, ये 1972 में रिलीज़ हुई।